रिएक्शन जो है वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको रिएक्शन सारे रिएक्शन अच्छे से समझ लेने हैं, वो अभी नहीं पर आपको बाद में भी बहुत काम है। ठीक है, आज का हम पहला रिएक्शन है रिएक्शन विद वाटर। डक जाते हैं उसमें, मैंने बोला
इसलिए नॉन मेटल्स जनरली डू नॉट रिएक्ट विद एसिड. नॉन मेटल्स होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते. नॉन मेटल्स जो होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है. बट मेटल्स जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ और प्रोड्यूस करते हैं वो हाइड्रोजन गैस दैट बर्न्स विद द पॉप. और एसिड जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ और मेटल्स जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ और पॉप साउंड क्रिएट करते हैं. क्लियर? हमने ऐसा देखा ही होगा कि नॉन मेटल्स रिएक्ट नहीं करते एसिड के साथ. नॉन मेटल्स जो होते हैं हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रोड्यूस करेंगे. क्लियर?
और जो है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद बेस आर कॉम्प्लेक्स, और जो रिएक्शन नॉन मेटल्स के साथ होते हैं बेस में वो कैसे होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं। बहुत सीधी तरीके से नहीं कि इसके साथ ए रिएक्ट किया और वहाँ क्या, सिंपल ऐसे नहीं होते, कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो रिएक्शन जो मेटल्स रिएक्ट करते हैं बेस में नॉन मेटल्स, वो बहुत उसके रिएक्शन के साथ कॉम्प्लेक्स होते हैं। क्लियर? हमारा इतना जो है यहाँ पर रिएक्शन विद बेस में। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिएक्शन में तो जिंक सल्फेट मिला।
दैट इज रेड एन एसओ फोर जिंक सल्फर जेड एन एसओ फोर प्लस कॉपर। अब वो जो है ये बहुत हाईली रिएक्टिव हो जाती है, इसलिए उसने उसको कॉपर को अलग कर दिया और ये दोनों है वो साथ में आ गया और कॉपर अलग हो गया। कॉपर एक आ गया और जिंक सल्फर जो है दोनों साथ में आ गए। एसओ फोर और रेड एन जेड एन एसओ फोर यहाँ पर सी यू जो था वो यहाँ पर अलग हो गया। कॉपर सल्फेट पहले ब्लू कलर का था, अब जो है दोनों में रिएक्शन हुआ, कॉपर सल्फेट में से कॉपर अलग हो गया, सल्फेट अलग हो गया, सिर्फ कॉपर जो बचा उसका कलर रेड आया और जिंक सल्फेट जो था उसमें जले ना सबको तो वो कलरलेस हो गया। समझ में आया इस तरीके से जो है रिएक्शन इसमें हुआ। क्लियर समझ में आया आपको? कॉपर सल्फेट देखिए सीओ एसओ फोर प्लस जिंक, जिंक जो है बहुत रिएक्टिव है इसलिए उसने कॉपर को उसमें से हटा दिया और सल्फेट और जिंक दोनों मिल गए, जिंक सल्फेट बन गए। अब वो उसमें फिर रिएक्शन आने की वजह से पहले कॉपर सल्फेट का रिएक्शन केमिकल का कलर ब्लू था और उसने रिएक्ट किया तो कलर लेस हो गया। ठीक है, प्लस कॉपर तो हमें आप कॉपर मिला था, कॉपर का कलर कौन सा रिएक्शन था रेड कलर और यहाँ पे कौन सा था पहले कॉपर सल्फेट जो था ब्लू। बस ये सिंपल है, कॉपर सल्फेट को जिंक के साथ रिएक्ट करेंगे तो जिंक सल्फेट बन जाएगा और जो बचा वो अलग हो जाएगा। पहले जिंक अलग था और जिंक उसकी जगह पे आ गया कॉपर की जगह पे, कॉपर को अलग कर दिया। क्लियर, पहले जो था जिंक जो था वो अलग था, उसने जिंक को कॉपर की जगह आ गया और उस कॉपर को रिप्लेस कर दिया, कॉपर और जिंक रिप्लेस कर दिया, इसलिए CuSO4 प्लस Zn यूज ZnSO4 प्लस Cu। क्लियर, और ये Cu Zn ये Cu Zn CuSO4 ZnSO4 ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए रिएक्शन। आपको एग्जाम में सिर्फ इतना ही देंगे CuSO4 प्लस Zn यूज डैश तो आगे डैश लिख देते हैं तो आगे का आपको लिखना, समझ में आगे जो है वो आपको लिखना, आपको आता हो तो ही आपको पता हो कि Zn जिंक कॉपर सल्फेट CuSO4 तो SO4 Cu तो फिर कॉपर सल्फेट। क्लियर, तब भी आपको ये आएगा, ये तो इजी है Zn और ये तो, पर इसमें Mg Mn Fe ऐसे आएगा, सोडियम है तो उसका Na होता है, ये तो सेम सेम इसमें याद हो जाता है, सोडियम तो उसका Na है, आयरन तो Fe होता है, तो वो सब में प्रॉब्लम होगी इसलिए ये जो नेम है वो आप याद कर लेना अच्छे से। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए, आप ये प्लीज ये रिएक्शन जो है लिख लिख के करना तो आपको जल्दी से आ जाएगा, समझ में आए। अब जो है हम दूसरा देखते हैं आगे, देयर कुड हैव बीन डिस्प्लेसमेंट ऑफ जिंक बाय कॉपर। अब क्या हुआ, हमारा नाम ही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ ना यहाँ जिंक का डिस्प्लेसमेंट हो गया, कॉपर का डिस्प्लेसमेंट हो गया, कॉपर उधर चला गया उधर जिंक आ गया तो उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया दूर चला गया वो और ये दूसरा है उसकी जगह पर आ गया। क्लियर, समझ में आया आपको? ये रिएक्शन किसमें आता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, किसमें आता है ये रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर। ठीक है, और फिर हमें क्या है कि जो कुछ नहीं है ये रिएक्शन इतना ही है इसलिए जो रिएक्शन है उसको याद करना है, समझ जाओगे और भी ये आपको हमेशा याद रहेगा, रट्टा मार के तो आप भूल भी जा सकते हो। क्लियर, तो अब जो है ये हमारा रिएक्शन पूरा हो गया। अब जो है यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, अब मेटल्स और नॉन मेटल्स के कुछ यूजेस हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, अब कुछ यूजेस
ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स और नॉन मेटल के यूजेस यहाँ पर हमें पता है। जो यूजेस पता है मेटल्स और नॉन मेटल्स के वो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इसलिए प्लीज़ इन यूजेस को जो है अच्छे से आप याद करना लिख लिख के, क्योंकि ये अभी नहीं पर आपको फ्यूचर में भी हेल्पफुल रहेगा इसलिए, ठीक है। अब यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल में क्या है, तो यू शुड बी गेस व्हाई मेटल्स आर यूज्ड इन मशीनरी ऑटोमोबाइल। हमें पता होना चाहिए कि मेटल्स जो है उसको मशीनरी ऑटोमोबाइल्स एरोप्लेन्स ट्रेन सेटेलाइट इंडस्ट्रियल गैजेट कुकिंग यूटेंसिल वाटर बॉयलर एक्सेट्रा इन सब में क्यों यूज़ करते हैं मेटल्स। और हमें इससे भी फेमिलियर होना चाहिए कि यूजेस जो है उन नॉन मेटल के यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं, जैसे मैंने मेटल्स के पता है मशीनरी ऑटोमोबाइल एरोप्लेन ट्रेन है ना वाटर बॉयलर्स एक्सेट्रा इन सब में होते हैं मेटल के यूजेस। तो नॉन मेटल कहाँ यूज होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो नॉन मेटल्स जो होते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। और मोस्टली हमें मेटल्स के यूजेस हमें पता है पर नॉन मेटल्स के यूजेस हमें नहीं पता है ना। मोस्टली हमें जो है मेटल्स के यूजेस पता है पर नॉन मेटल्स के यूजेस हमें नहीं पता है, ठीक है। तो वो हमें याद रखने हैं। तो नॉन मेटल जो है वो कैसा है, तो नॉन मेटल इज एसेंशियल बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए विच और लिविंग थिंग्स इनहेरेंट एवरी ब्रीथिंग। और जो है नॉन मेटल्स के अंदर एक ऐसा बोल रहा है कि जो सारे लिविंग थिंग्स जब ब्रेथ करते हैं तब इम्पोर्टेंट होते हैं। नॉन मेटल इज एसेंशियल फॉर अवर लाइफ विच ऑल लिविंग बींग्स इनहेर ड्यूरिंग ब्रेथिंग, वो जब ब्रेथ करते हैं तब सब लोग जो है उनको जरूरी होता है। फिर दूसरा है नॉन मेटल्स यूज इन फर्टिलाइजर एनहेंस द ग्रोथ ऑफ प्लांट। अब नॉन मेटल जो है वो किससे यूज है, फर्टिलाइजर है।
लेते हैं फिर से और फिर हम देखेंगे आगे। रिएक्शन देखो, वाटर वाटर के साथ रिएक्शन कौन सा होता है? सोडियम, सोडियम का रिएक्शन जो वाटर के साथ होता है उसमें क्या होता है? सोडियम का जो रिएक्शन होता है वाटर के साथ उसमें क्या होता है? तो उसमें सोडियम जो है बहुत रिएक्टिव है एयर और वाटर के साथ, इसलिए सोडियम जो है हम अगर उसको एयर या वाटर के कॉन्टेक्ट में आएगा तो उसमें हीट जनरेट होकर वो फूट जाएगा, इसलिए उसको केरोसिन के अंदर रखते हैं। फिर रिएक्शन विद एसिड, एसिड में जब रिएक्शन होता है तो क्या होता है? एसिड के साथ रिएक्शन बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं और रिएक्शन जैसे विगरस होते हैं, ठीक है। और एसिड में बेस और एसिड में ऐसा है कि नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, नॉन मेटल्स होते हैं वो रिएक्ट नहीं करते हैं, जबकि मेटल्स जो है वो रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ। और रिएक्ट करते हैं वो हमें कैसा पता चलता है? तो उसका हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है वो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो वो पॉप साउंड होता है उससे हम आइडेंटिफाई। फिर जो है रिएक्शन विद बेस तो मेटल रिएक्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड, मेटल जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। अब जो है पॉप साउंड से इंडिकेट होता है कि इसमें हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस की है, तो कॉपर डाइल्यूट HCl वो रिएक्ट होता है। फिर जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट में डिस्प्लेस हो जाता है, यहाँ से कॉपर डिस्प्लेस हो जाता है, यहाँ आ जाता है जिंक, यहाँ पे जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है वहाँ से और यहाँ पर जिंक आ जाता है, कॉपर अलग हो जाता है अपना सेपरेट हो जाता है। और रिएक्शन में ब्लू था ब्लू से कलर ले सकता है और यहाँ पे ये रेड कलर हो गया कॉपर जब कलर हो जाता है। फिर यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स और नॉन मेटल्स के यूजेस, उसमें मैंने देखा था जो भी वो आपको बताया फर्टिलाइजर प्लांट फर्टिलाइजर जो एज ए फर्टिलाइजर यूज किया जाता है वो ग्रोथ प्लांट की जो ग्रोथ है उसको बढ़ाने के लिए। फिर जो है वाटर प्योरिफिकेशन में यूज़ किया जाता है। फिर पर्पल कलर का होता है हमारे बाँव कहीं चोट लगी है उस पर लगाने के लिए यूज होता है। फिर क्रैकर्स बनाने में यूज होता है और इन सब चीज़ें पर नॉर्मल से यूज होता है। मेटल्स का तो एरोप्लेन ट्रेन वाटर बॉयलर्स ऑटोमोबाइल्स मशीनरी एक्सेट्रा इन सब चीज़ें पर मेटल्स यूज होता है। क्लियर समझ में आया? ये सब जो है यहाँ पे हमारा लेसन फिनिश होता है। इसके बाद आगे हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे और एक्सरसाइज देखेंगे, ओके।